सबसे पहले रुक करते हैं बड़ी खबर का। तो आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़ा ये पूरा मसला है। तो इस पूरे मसले पर सचिन पायलट ने अपना बयान जारी किया है और इस बयान के जरिए उन्होंने कहा है कि मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए, सरकार को घटना से सबक लेना चाहिए, तो वहीं किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। तो वहीं मंत्री ने किसानों को उकसाया ये भी कहा है सचिन पायलट ने। तो वहीं आगे ये भी कहा है कि पुलिस ने प्रियंका गांधी के साथ बदसलूकी की। इस पूरे मसले पर सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। श्री खट्टर साहब उन्होंने कल क्या स्टेटमेंट दिया, उन्होंने लोगों को उकसाया, गांव में लाठियां उठा लो और किसानों को सबक सिखाओ, जेल जाने से मत डरो। अगर सत्ता में बैठे लोग, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, लोगों को उकसाने का काम करेंगे, हथियार उठाने का काम करेंगे, लड़ने का, हिंसा करने का अगर अनुभव करेंगे, तो देश की जो स्वस्थ परंपराएं हैं हमारी लोकतंत्र की, उनकी जड़ें कमजोर हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में जो भयानक हादसा सामने आया उसको देखने के बाद सबका दिल दहल गया था। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्रीमत प्रियंका गांधी जी जब वहां जाना चाहती थी, जिन लोगों के नौजवान बच्चों को मारा गया, उन लोगों के आंसू पोंछने जाना चाहती थी, तो पूरी रात पुलिस का प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार ने दुर्व्यवहार किया सो किया। एक महिला नेत्री के साथ जो व्यवहार किया वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। इस पूरे घटनाक्रम का हम सब लोग सर्वसम्मति से घोर भर्त्सना करते हैं और हम डिमांड करते हैं कि स्टेट की जो एजेंसी है वो इस की सच्चाई तक ना पहुंचना चाहती है ना पहुंच सकेगी, इसलिए इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो और जिन लोगों के ऊपर आक्रमण किया था, जो लोग दोषी हैं, जांच करने के बाद संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में सख्त से सख्त सजा उनको दी जाए। साल भर से किसान आंदोलित है, इस देश में धरती का पेट फाड़कर जो अनाज पैदा करता है, इस 130 करोड़ के मुल्क का जो पेट पालता है, उस किसान के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसको सब देख रहे हैं। कानून वापस लेना तो एक बात, लेकिन हिंसा को बढ़ावा देकर जिस प्रकार से लोगों की जाने गई हैं लखीमपुर में, मैं समझता हूं उससे केंद्र सरकार को सबक लेना चाहिए। और बजाय इसके कि अपनों को, भाजपा के नेताओं को, मंत्रियों को बचाने की बजाय एक स्वतंत्र जांच हो और जिन लोगों ने इस भयानक हादसे को अंजाम दिया है उसकी तह तक जाकर कठोर कदम उठाने चाहिए। और पुलिस ने प्रियंका के साथ, प्रियंका जी का जो बर्ताव किया हम सब ने देखा, ये मैन हैंडलिंग किसी एक नेता के साथ करना, मैं समझता हूँ डर गई है भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश की और केंद्र की सरकार।